అని బీజేపీ నాయకుడు కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. కర్ణాటక ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా చిక్కోడి బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ఆయన కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. తాము అనుకున్న లక్ష్యాలను అనుకున్న విధంగా చేరుకుంటామన్నారు. అయోధ్యలో రామ మందిరం కట్టిస్తామన్న దానికి ఇప్పుడు కడుతున్న నిర్మాణమే నిదర్శనంగా తెలిపారు. దేశ్ కే ఖిలాఫ్ కామ్ కరే, దేశ్ కే అందర్ ఆతంకవాద్ బడాయే, ఓ సంస్థాఓ కో ప్రతిబంధ్ కర్నా. कांग्रेस सरकार में हिम्मत नहीं थी. भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक के 191 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी. अभी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आई, उन्होंने कहा कि हम तो बजरंग दल पर भी बैन लगा. भाई बजरंग बली से आपको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? सालों तक आपने प्रभु श्री राम को जेल में डालकर रखा, ताला लगा कर रखा, कुछ नहीं हुआ. मोदी जी आए और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया. चिक्कोड़ी वालों 2024 की अयोध्या की टिकट बुक कर रखो. 2024 में अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनना हुआ मिलेगा. ये कर्नाटक तो बजरंग बली की जन्मभूमि है और इसी कर्नाटक में आपने बजरंग बली का अपमान करने का काम किया है. माताओं भाइयों बहनों, ये एपीसमेंट की जो थियोरी है, वो एपीसमेंट की थियोरी को जवाब देने का समय अब आ गया है. माताओं भाइयों बहनों, मैंने उनका मैनिफेस्टो दिखा. मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने ढेर सारे ऐसे वादे किए हैं जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते. मित्रों, मुझे बताओ, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के आप साथ हैं? किसी भी धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. यहाँ धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण दिया था. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको समाप्त कर लिंगायत, एससी और एसटी का आरक्षण